मैं कंपनी वालों से बात करूंगा, दोनों के वीजे लगवाने होंगे, उसमें थोड़ा वक्त लग सकता है, हो जाएगा इंशाल्लाह। आप सच कह रहे हैं ना? आपने कहीं कोई ख्वाब तो नहीं देखा? बेशरम, अपनी ज़ुबान को लगा लेता हूँ। अगर मैं बेशरम हूं ना तो आपकी बीवी भी बेशरम। जुबी, जुबैदा हो ना तुम? भाईजन भाभी और बच्चों को अपने पास बुलाना चाह रहे हैं। है, और सुनो, पहले तो उसको अलग खर्चा भेजना शुरू किया और अब बीवी बच्चे वहाँ बुला लेगा तो ये बचाएगा खाब, हम क्या खाएंगे? चाचू चाचू, मैं भी जाऊंगी। हाँ सिम, इसको भी ले जाओ, इसका ज्योमेट्री बॉक्स भी खो गया, वो भी लेना है। मेरी आँखें तकती है रास्ता। मम्मा, पार्क, पार्क जाना है आप? आपको पार्क बहुत अच्छा लगता है? हाँ। पार्क में सबसे अच्छा क्या लगता है? स्विंग्स। तो आप वहाँ भी स्विंग्स हैं, वहाँ भी जा सकती हो और वो सीट पे भी बैठ सकती हैं, है ना? मेरी बेटी को झूला झूलना बहुत अच्छा लगता है। अरे मुबशर भाई, आप यहाँ? अरे जुबी, तुम? वालेकुम अस्सलाम बेटा, बस वो घर पर पेंट चल रहा था, सांस लेना मुश्किल हो गया था, मैं यहाँ आकर बैठ गया। तुम बताओ कैसी हो, एहसन कैसा है? मैं ठीक हूँ बिल्कुल। एहसन तो बाहर होते हैं। बाहर? बाहर कहाँ? मम्मा, क्या मैं भी झूले में जाऊँ? जा। एहसन मस्कत में होते हैं। तो मतलब तुम यहाँ अकेली ही रहते? नहीं नहीं, माशाल्लाह ससुराल है, सास देवर नन सब लोग। आप आए ना कभी घर पे? यार मसरूफियत ही इतनी है कि टाइम ही नहीं मिल पाता, घर का काम, दफ्तर का काम, फिर खाना वगैरह भी खुद ही बनाना पड़ता है। घर का काम? मुसरत भाभी छोड़ कर चली। ओह बहुत अफसोस हुआ। इसको छोड़ो, तुम ये बताओ कि तुम एहसन के पास कब जा रही? एहसन को तो बहुत जल्दी है, उन्होंने तो सारे कागजात बनवाने हैं, बस मुझे पासपोर्ट बनवाना है। भाई अब देर किस बात की है, बनवाओ पासपोर्ट। जी मुबशर भाई, आप तो जानते हैं मैंने इस तरह दफ्तरों में कभी चक्कर नहीं लगाए। मेरा एक जानने वाला है पासपोर्ट ऑफिस में, मैं तुम्हारा काम करवा दूंगा। अच्छा वाकई? पासपोर्ट, शनाख्ती कार्ड वगैरह सब ताल्लुकात से बन जाते हैं, लाइन में लगो तो महीनों लग जाते हैं। ये तो है, शनाख्ती कार्ड तो है मेरे पास, बच्चों के पेपर्स भी हैं। चलो ये तो अच्छी बात है। बहुत शुक्रिया, आपने तो मेरा काम आसान कर दिया। अब घर आइएगा ना कभी, ये दूसरी गली में मकान नंबर 16 है। अच्छा अच्छा, आऊंगा आऊंगा, चक्कर लगाऊंगा। चले मैं चलती हूँ। चले, मजा आया? हाँ मजा आया। चले आप। अगर अम्मी और आसिम को पता चल गया कि मैं मुबशर भाई की मदद से पासपोर्ट बनवा रही हूँ तो वो बहुत खफा होंगे, लेकिन मैं क्या करूँ, मुझे उन्हें बताए बगैर ये करना होगा, क्योंकि वो लोग तो कभी भी नहीं चाहेंगे कि मैं जाऊं। यही ठीक है। मम्मा? जी मम्मा की जान। चाचू गाड़ी में मुझे कब सैर कराएंगे? आपका गाड़ी में सैर करने को बहुत दिल करता है। जी मामा। इमन, आपको पता है आपके बाबा के पास लंबी सी गाड़ी है, चमकती हुई। जब आप बाबा के पास जाएंगी तो आपको वो हर उस जगह लेके जाएंगे जहाँ आप जाना चाहती हैं, बहुत सैर कराएंगे। सच मम्मा? बिल्कुल सच है।
जाएंगे बाबा के पास बहुत जल्द और जैद भी जाएंगे है ना भाई बाबा हमारा इंतजार कर रहे हैं बहुत जल्द हाँ बाबा के पास जाएंगे कौन अरे मुबशर भाई अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम बस यहाँ से गुजर रहा था सोचा आप इनसे मिलता चलूं बहुत शुक्रिया ये बच्चों इस तकल्लुफ की क्या जरूरत थी भाई आइए आइए अब अंदर तो आइए ना फिर तुम आई नहीं मैंने पासपोर्ट वाले बंदे से बात भी कर ली थी जी आऊंगी असल में मेरी नंद आलिया का निकाह होने वाला है उसी के फंक्शन की तैयारियां चल रही हैं मसरूफियत खासी है जल्द आऊंगी हैं दरवाजा खुला छोड़ दिया हैं इस जुबैदा की लापरवाही से मैं बहुत तंग हूँ और जैद कैसे ठीक है बिल्कुल आवाजें किसकी आ रही हैं अंदर आवाज तो भाभी की लग रही है खाला कोई मेहमान आया हुआ होगा उसमें कौन आ सकता है हमारे यहाँ अम्मी अस्सलाम वालेकुम खाला जी वालेकुम सलाम कौन है भाई तो अब अम्मी ये मुबशर भाई हैं मेरे मामूजाद पहले कभी देखा तो नहीं मैंने अम्मी ये भावलपुर में होते थे मेरी और अहसन की शादी में भी नहीं आ सके थे अभी हाल ही में इसी शहर में ट्रांसफ़र हुआ है अच्छा जुबी फिर मैं चलता हूँ नहीं मुबशर भाई मैं चाय ला रही हूँ आपके लिए बैठे जुबी बहुत देर हो जाएगी फिर सही है ना फिर तुम मुझे बता देना जब भी तुम्हें जी बस निकाह के फंक्शन से फारग हो जाए मसरूफियत उसकी चल रही है ना आप भी आइएगा निकाह में क्यों अम्मी हाँ हाँ भाई आना वादा नहीं करता पर देखो नहीं नहीं आपको आना होगा हमें बहुत खुशी होगी अच्छा चलो टाइम मिला तो जरूर आऊंगा ठीक अच्छा खाला जी खुदा हाफिज़ खुदा हाफिज़ खुदा हाफिज़ अल्लाह जाने अचानक से एक कज़न कहाँ से नमूदार हो गया ये चीज़ें मेरे कमरे में पहुँचा देना जुबैदा जुबैदा भाभी के मैके से उनका कोई कजन आया था आज मिलने जुबैदा भाभी का कजन हाँ भाई जब हम आज वापस आए थे ना तो बिठाया उसे शरबत पिला रही थी इतनी आजाद ख्याल हो गई है जब दिल चाहता है एमन को लेके घर से बाहर चली जाती है और आज आज तो कजन ही नाजिल हो गए भाई क्या कह सकते ऐसे भाई ने इतनी खुली छूट दी हुई अब तो पैसे भी अलग से आते हैं कोई पूछने वाला ही नहीं और खुद भी नहीं है यहाँ जो निगरानी करें और थोड़ी पूछगछ रखें भाई औरत को खुद भी तो ख्याल करना चाहिए आसिम मैं तो कहती हूँ आलिया को बिगाड़ने में भी ना 100% जुबैदा भाभी का हाथ है और अगर एहसन भाई नहीं भी है तो क्या हुआ खाला को जरा सख्ती रखनी चाहिए सही कह रही हूँ या नहीं बताओ सही कह रही अच्छा सुनो आज वाला जोड़ा अच्छा है लेकिन शादी के लिए ना मैं इससे भी अच्छा जोड़ा खरीदूंगी ठीक है अच्छा ठीक है ले लेना हाँ थोड़ा ज्यादा काम हो उसके साथ ना मैं वो बड़ी वाली चांद वालियां पहन लूंगी कैसे लगेंगी ठीक तैयार हो गई जी बस झुमके रह गए यार ये लिपस्टिक क्यों इतने फीके से रंग की लगाई है इस पे अच्छी नहीं लगेगी ना किसने कहा अच्छी नहीं लगेगी मुझे अच्छी लगेगी यार प्लीज कुछ और रंग की लिपस्टिक लगा लो ऐसा ना आप भी ना क्या आप भी यार बदलो ना लिपस्टिक को प्लीज बहुत ऐसी फीकी सी लग रही है अच्छा बताएं कौन सी लगाऊं
ये वाली नहीं, ये भी नहीं, ऐसा मरा हुआ सा रंग है, कोई शोक रंग की कोई वो नहीं है वहां पे, कोई गुलाबी लाल कोई, ये चलो जामनी सी है, लगाओ लगा के दिखाओ। और कैरी करो जरा, एमन बेटा मामा को थोड़े से बाहर काम है, आपने जैद का ख्याल रखना है। मम्मा मुझे भी पप्पो के पास जाना है। मैं अपनी बेटी को भी पप्पो के पास लेके जाऊंगी, मैं थोड़ा सा काम कर लूं। बट मम्मा जैद बहुत तंग करता है। आपका भाई है, मैं जल्दी से काम कर लेती हूँ, फिर मैं अपनी बेटी को भी पप्पो के पास लेके जाऊंगी, ठीक है? ख्याल रखना भाई का। अरे बशर भाई, कैसी हो तुम? बिल्कुल ठीक, आपको देख के बहुत खुशी हो रही है। भाई तुम्हारी जिद थी तो आना पड़ा, बहुत अच्छी लग रही हो तुम्हें देखकर, खुपो की याद आ गई, वो भी ऐसा सादा सा तैयार हुआ कर। ये मेरी तरफ से दुल्हन के लिए। इसकी क्या जरूरत है बशर भाई? भाई शादी के घर में खाली हाथ तो नहीं आया जाता ना, और वो भी बहन के ससुराल की शादी। अच्छा मैं चलता हूँ फिर। है कहाँ जा रहे हैं? अभी तो खाना भी नहीं लगाया। नहीं जरूरी खाना बनाने की कोई जरूरत नहीं, मैं तुम्हारी वजह से आया। जी नहीं। ये सब क्या चल रहा है? ये मेरे देवर हैं, मुबशर भाई हैं। सलाम। देखो ना आसिम, बगैर खाए पिए जा रहे हैं, खाना भी खुला भी नहीं है। अरे अगर भाभी इतना इसरार कर रही है तो थोड़ी देर रुक जाए ना, खाना खाकर जाइएगा। बहुत जिद्दी हो तुम, अगर इतना इसरार करियो तो रुक जाता हूँ।
खुश? अच्छे से खाना खिलाना है जी। अच्छा आपने भाभी को देखा आजकल? क्यों, क्या हुआ? कुछ नहीं, वो निकाह पे एक कजिन के साथ बड़ा हंस हंस के बातें कर रही थी। अच्छा, वो आया था क्या? आपने बुलाया था? हाँ, जुबैदा ने कहा कि मेरे कजन को बुला ले, मैंने बुला लिया। मैं तो समझी वो आया ही नहीं। ध्यान रखे। क्या कह रहा है तू, हैं? बड़ी भाभी है वो तेरी, और उसका कजन है भाई। अरे कजन वजन कुछ नहीं होता अम्मा, और हमें क्या पता, हम थोड़ी ना जानते हैं उसे। भाभी ने कह दिया और आपने मान लिया। अच्छा अच्छा, फजूल बातें करने की कोई जरूरत नहीं है। समझा रहा हूँ आप, नजर रखे। और वैसे भी आजकल घर से बहुत बाहर जाने लगी हैं। अच्छा, और तेरी बीवी तो जैसे बेचारी घर में कैद रहती है, पाँव में चक्कर रहता है उसका सारा दिन। अरे उस बेचारी ने कहाँ जाना, बस घर से अपने अम्मा अब्बा के घर जाती है। कुछ सहेलियां बेचारी की, आप देख ले। अच्छा देख लूंगी, तुम्हें ज्यादा फिक्र करने की जरूरत नहीं, अपने काम से काम रखो। काम तो हुआ नहीं, खामखाई चक्कर लग गया। मायूस क्यों होती हो, आज नहीं हुआ तो कल हो जाएगा। आज अगर तमाम कागजात होते ना तो काम हो ही जाता। तुम किसी भी तरह करके आज तमाम कागजात मुझे भिजवा दो। ठीक है, कोशिश करती हूँ। एहसन के पास जाना है तो पासपोर्ट तो सबके बनवाने होंगे ना। इंशाल्लाह। तुम कहो तो मैं तुम्हारे साथ चल के तुम्हारे घर से उठा लूंगा। अरे नहीं नहीं मुबशिर भाई, मैंने ससुराल में किसी को नहीं बताया, तो जानते हैं। हाँ समझता हूँ। अच्छा तुमने मेरा घर तो देखा हुआ है ना? जी। आज कागजात भिजवाओगी तो कल मैं पासपोर्ट देने चला। ठीक, बहुत शुक्रिया। शुक्रिया किस बात का, बहन हो तुम मेरी। चलते हैं। जुबैदा भाभी कहाँ हैं? ये नोशी, आपने मैके जाते हुए क्या तुम्हारी अकल तमीज सब ले जाती है? एक तो आप मेरी बीवी का पीछा छोड़ दें, और दूसरा आप अपनी चहेती बहू जुबैदा भाभी पे नजर रखें कि वो कहाँ जा रही हैं, किससे मिल रही हैं, क्या चल रहा है। अरे क्या हुआ, क्या है? क्या हो गया ये पूछे, क्या नहीं हुआ? अभी अभी देखा मैंने जुबैदा भाभी को अपने नए नवेले कजन मुबशर भाई जान के साथ रिक्शे से उतरते हुए। वो तो एमन के स्कूल में गई थी, वो किसी मीटिंग में। स्कूल का बहाना बनाकर पता नहीं कहां कहां मौज मस्ती हो रही है अपने नए कजिन मुबशर भाईजान के साथ। मेरा तो खून खोल रहा है अम्मा। अच्छा अच्छा, अपनी जुबान भी कंट्रोल में कर, अपने खून को भी। आती है तो बात करती हूँ। चले। कहाँ से आ रही हो? इमन के स्कूल से। मैं स्कूल गई थी या स्कूल के बहाने कहीं सैर सपाटे को गई थी? अरे अम्मा साफ साफ पूछो ना कि कहाँ गई थी, किससे मिलने गई थी। आसिम, कोई इल्जाम लगाने से पहले ये याद रखना कि मैं तुम्हारी बड़ी भाभी हूँ। बहुत अच्छे तरीके से याद है भाभी, और मैं कोई इल्जाम नहीं लगा रहा, वो बता रहा हूँ जो इन गुनाहगार आंखों ने खुद देखा है आपको मुबशर भाई के साथ रिक्शे से उतरते हुए। मुबशर भाई के साथ मेरा रिक्शे से उतरना तो तुमने देख लिया, मगर तुम ये भूल गए कि सुबह जो मैंने तुमसे कहा था कि एमन के स्कूल जाना है तो तुमने इनकार कर दिया था। हमारे लिए ना तो वक्त है ना ही गाड़ी की सहूलत। अब अगर मुझे तपती दोपहर में बच्चों को स्कूल के बाहर खड़ा देखकर मुबशर भाई ने रक्षे में बिठा लिया
तो इसमें क्या बुरा किया? बच्चे गर्मी से निढाल हो रहे थे, कोई सवारी नहीं मिल रही थी। मेरी बच्ची तरस गई है गाड़ी में बैठने के लिए, इसका कभी ख्याल नहीं आया तुम्हें? अच्छा सुबेदा, अंदर चलो तुम। मेरा मनाओ, देख रही है कैसे देख भी रही हूँ और तुम्हें समझा रही हूँ। अपने आप को कंट्रोल में रखो, काबू रखो अपनी जुबान पे। जो जितना दबाव होता है ना, उसे और दबाओ तो वो फट पड़ता है। उसने कल को हसन से कुछ कह दिया तो क्या करेंगे? घर की इज्जत दांव पे लगी हुई है और आप मुझे समझा रही हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, आलिया को बहकाने में भी भाभी का ही हाथ है। लिख ले मेरी बात कहीं पर। आप घर की बड़ी मैं हूं ना, मुझे पता है कब क्या करना है। तुम छोड़ दो। मम्मा, चाचू और दादी आपको क्यों डांटते थे? डांटते नहीं रहे थे। चाचू बहुत गंदे। ऐसे नहीं कहते हैं। मैं तो कहूंगी गंदे, सब बहुत गंदे। क्यों घबरा रही हूँ मैं? मैंने कुछ नहीं किया, मेरे दिल में कोई चोर नहीं है। फिर मैं क्यों डरूं किसी से? ऐसन का फोन आएगा तो मैं खुद उन्हें सब कुछ बता दूंगी। एमन, एमन, आप हमारे लिए बहुत कर रहे हैं। अरे वो मर्द अकेला रह रहा है, अकेला, और वो तो जुबैदा उसके घर तक जा पहुंची थी। मेरी आंखें तकती है रास्ता। क्या हुआ हसन भाई, खैरियत है? कुछ नहीं यार, वो जी बस पेट में दर्द हो रहा है कुछ। अरे ये हशमत भी ना ऐसी कच्ची पक्की बदजायका दाल बनाता है, तभी तो पेट में दर्द हो रहा है। आप रुके, मैं आपके लिए चूरन लेकर आता हूँ। हमारे मोहल्ले में एक बड़े उम्दा हकीम साहब हैं, उन्होंने मुझे चूरन दिया था। शुरू शुरू में मेरे भी बहुत पेट में दर्द रहता था ना, अब तो एक चुटकी चूरन खाता हूँ और लक्कड़ अदम पत्थर अदम। आप बैठे, एक काम करो, आप यहाँ लेट जाए टांग सीधी करके, मैं अभी चूरन लेकर आ रहा हूँ आपके लिए। अम्मी, अम्मी कहाँ रह गई हैं? आ रही हूँ भाई, सबर करो, एक मिनट ठहरो। अच्छा मैं सोच रही हूँ कि आज माशाल्लाह से हम फर्नीचर का सारा काम मुकम्मल कर लेंगे। मुझे तो समझ नहीं आ रहा, जब आलिया ने शादियों के बाहर जाना है तो आप ये फर्नीचर वर्नीचर का क्या कर रही हैं? अरे भाई, एसी से लेकर सुई तक दूंगी अपनी बेटी को, इज्जत से जाएगी ससुराल में, रोब से रहेगी। आसिम जल्दी आओ। जी हाँ, एक बात और सुन लो कान खोल के, हम शॉपिंग के बाद नबीला के यहाँ से होते हुए आएंगे, फिर बड़बड़ मत करना। अरे यार, आप लोगों ने तो ड्राइवर ही बना लिया हर रोज शादी की शॉपिंग, अब मैं क्लाइंट्स के साथ डील करूँ कि छुट्टियाँ करूँ? बहन की शादी है, इतना भी नहीं कर सकते तुम? जुबैदा, ओ जुबैदा। जी अम्मी। चलो भाई हम जा रहे हैं, हमारे साथ चलो, आओ। जी मैं? हाँ तुम, फिर बाद में कहोगी मुझे अकेला घर छोड़ गए, मुझे लेके नहीं जाते, गाड़ी की सैर नहीं कराते। अम्मी मैंने तो सिर्फ ईमन की बात की थी, आप उसे ले जाएं, वैसे भी जैद को बुखार लग रहा है, बाजार में तंग करेगा। फिर ईमन को भी घर पे छोड़ दें, वो चीजें देख के फैल जाती है, संभाल नहीं जाती, बहुत तंग होती है वो। नहीं नहीं, ईमन को मैं संभाल लूंगी। ईमन कहाँ गई? यहीं तो थी। ईमन पप्पू के साथ जाओ, आ जाओ।
ठीक है, अच्छा किया तुमने पेपर्स पहुंचा दिए, कल सुबह सुबह तुम्हारा काम हो जाएगा। अच्छा बाहर क्यों खड़ी हो, अंदर तो आओ। अरे नहीं नहीं मुबश्शिर भाई, घर में किसी को बताया भी नहीं है, बस चलती। अच्छा ये जैद है भाई। जी ये जैद है। एक बात पूछूं मुबश्शिर भाई, बुरा तो नहीं मानेंगे? नहीं नहीं। मुबश्शिर भाभी क्यों चली गई? काम में सुस्त, मिजाज की तेज, मेरी शादी तो बस यूं ही चल रही है हिचकोले खाती। कभी उसको अपने गुस्से पर कंट्रोल नहीं रहता और कभी मेरे बर्दाश्त की हद खत्म हो जाती, और दोनों का नतीजा लड़ाई और फिर जुदाई नहीं। अगर बच्चों के लिए अच्छा नहीं होता, मेरी दुआ है कि मिसरत भाभी वापस आ जाए। कल एमन के स्कूल में स्पोर्ट्स डे है, मैं कल बाहर निकल सकती हूँ पासपोर्ट के लिए? हाँ कल स्पोर्ट्स डे के बाद हम पासपोर्ट के ऑफिस चलेंगे। हैं मुबश्शिर भाई, अगर आपको मसला ना हो तो एमन के स्कूल से आप हमें दे सकते हैं, मेरा यहाँ आना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। हाँ हाँ जैसे कि मैं सोच लिया, आप हमारे लिए बहुत कर रहे हैं। अरे जल्दी करें भैया, आगे भी जाना है। हाँ हाँ बस पैकिंग हो रही है। अम्मी एमन कहाँ चली गई है? हैं? क्या मतलब है, तुम्हारे पास तो थी, कहाँ है? हद करती हो आलिया, तुम भी कहाँ यार? इधर ही थी, मुझे नहीं पता कहाँ चली गई अम्मी। ये लो एक नई मुसीबत। अरे भाई तुम्हारे होश कहाँ है, तुम्हें बच्ची साथ खड़ी तो तुम्हें पता ही नहीं चला कहाँ चली गई। आसिफ ढूंढो जाके, बड़ी शैतान लड़की है भाई, पता नहीं कहाँ गायब होगी। छोड़ो हम बाद में आएंगे भाई, देखो देखो इसको जरा। या अल्लाह खैर, आलिया तुम्हारे होश है कि तुम्हें? ये लड़की मिल जाए वरना ऐसा तो हमें मार डालेगा। तो खाला लाने की जरूरत क्या थी, ये बदतमीज और शरारती लड़की है। बेटा क्यों रो रही हो? पापा के साथ जाना है। किसके साथ आई थी आप? दादी और पप्पो के साथ। पप्पो और दादी? कैसे लापरवाह लोग हैं, बच्चों का ख्याल ही नहीं करते। पता नहीं कहाँ चली गई लड़की, क्या करूंगी मैं? नहीं मिली है? कहीं नहीं मिली अम्मी, मुझे नहीं मिली। अरे कैसी बातें कर रहे हो, किसी खिलौनों की दुकान पे देखती? या अल्लाह कौन सी मनहूस घड़ी थी जो इसको लाने पे राजी हुई मैं? चलो इस तरफ चल के देखें। चले। इतनी सी लड़की, उसने नचा मारा हमें। आइसक्रीम खाओगी बेटा? मुझे नहीं खाना। नहीं खाना? अच्छा पानी पियोगी? अच्छा आप बताओ किसके साथ आई थी आप? दादी और फूफो के साथ। फरीद भाई
कितने लापरवाह लोग हैं, इतने छोटे बच्चों के साथ आ जाते हैं और ख्याल ही नहीं करते। अरे भाई मैं मस्जिद में ऐलान करवा कर आता हूँ इस बच्ची का। हेलो हेलो जूबी, एहसन कैसे हैं आप? जूबी मैं ठीक हूँ, तुम बताओ। हेलो हेलो जूबी, आवाज ठीक से नहीं आ रही। एहसन मैं आपको बता रही थी कि मैंने पासपोर्ट का काम करवा लिया है। वो मुबशर भाई थे ना, याद है मेरे मामूजाद, उनसे। हेलो हेलो चलो चलो, हम घर में रहे, इस अजाब को ले गए थे। मम्मा ये लोग तो बहुत गंदे। क्या हो गया आसिम? क्या हो गया? इंतहाई शरारती और बदतमीज लड़की है आपकी, कोई तमीज नहीं सिखाई आपने इसको। ऐसा क्या हो गया है बच्ची से? अरे एक नंबर की शैतान है, बाजार जाते उंगली छुड़ा के पता नहीं कहाँ गायब हो गई। हमने खाक शॉपिंग करनी थी, दुकानों में मारे मारे फिरते रहे इसे ढूंढते हुए, और पता चला किसी अनजान शख्स की उंगली पकड़े चली आ रही है। भाई तौबा है तौबा, अगर अगर ये खो जाती तो ऐसा ना तो सारा इल्जाम हम पर देना था ना। हाँ, सब लोग साथ थे फिर भी इसका ख्याल नहीं रखा। हमने नहीं ख्याल रखा? भाभी आप क्या सिखा रही है अपनी बच्ची को? माँ का काम होता है बच्चे को तमीज सिखाना। आलिया तुम तो ध्यान रख लेती। अभी मैं, अरे भाई तुम्हारे तो रोने ही नहीं खत्म होते। मुझे यहाँ नहीं ले गए, मेरी बच्ची को ये नहीं दिलाया, मुझे वहां नहीं घुमाया, अब ले गए थे ना, अच्छी तरह भुगता हमने पूरा दिन इस बच्ची को। तौबा है, मैं तो हैरान हूँ, इतनी तेज बच्ची मैंने कभी नहीं देखी, बड़ी आफत की परकाल है भाई। तौबा तौबा, अल्लाह ही है जो इसको संभालेगा। आप पूछते क्यों नहीं इससे? इमन बताओ मुझे, चाचा सही कह रहे हैं? बोलो क्यों छोड़ा था फूफो का हाथ? क्यों छोड़ा था फूफो का हाथ? अगर कोई उठाकर ले जाता तो? देखा, देख लिया इंग्लिश मीडियम महंगे स्कूलों में पढ़ाने का अंजाम, ना माँ बाप की तमीज है ना किसी बड़े छोटे की, अपनी मनमानी करते हैं। इतनी सी बच्ची है, कैसा नचाया इसने आज सबको। एमन ये सब क्या है? एमन मैं तुमसे पूछ रही हूं, ये सब क्यों बिखरा हुआ है? मेरी मर्जी। बेटा आपको क्या हो गया है? आप जाइए यहां से, मुझे आपसे बात नहीं करनी, जाइए आप। हेलो, नहीं जल्दी तैयार होके निकलना है और कपड़े गंदे नहीं करने हैं। मुबशर मामू के साथ पासपोर्ट के ऑफिस भी जाना है और किसी को बताना नहीं है। चलो उठो चले जल्दी। आ जाओ एमन। हाँ हाँ भाई, कहाँ चली? अम्मी एमन के स्कूल जा रही हूँ। चलो, एक तो ये महंगे महंगे स्कूल भी अजीब है, इतनी इतनी फीस ले लेते हैं और माँ बाप के खामखा के चक्कर। अब मैं जाऊँ? हाँ हाँ बाबा जाओ, तुम्हें कौन रोक सकता है? अब तो ये हाल है कि तुम सिर्फ इत्तला देती हो जाने की, इजाजत नहीं मांगती। अम्मी मैंने आपको बताया था कि मुझे एमन के साथ उसके स्पोर्ट्स डे पर जाना है, मैं कब कहाँ बाहर जाती हूँ, काम होता है तभी निकलती हूँ। अच्छा बाबा माफ कर दो मुझे, जो गलती होगी तुमसे पूछ लिया, और इसका शैतान की खाला का ख्याल रखना, हाथ छुड़ा के भाग जाती है, पहले भी बाजार में घूम गई थी, बड़ी मुश्किल से ढूंढा इसे।
जी बेहतर। तशरीफ कब तक ले आएंगी आप? कोशिश करूंगी जल्दी आ जाऊं। जैद का जरा ख्याल रख लीजिएगा। सालन बना दिया है, आलिया के रोटी डाल लेगी। चलो एमन। वाह भाई वाह, क्या तंतना है, है? सालन बना दिया जैसे मुझ पे कोई एहसान कर दिए। मेरा मशवरा है हसन भाई, आप हॉस्पिटल चल लें प्लीज। इतने दिन हो गए आपकी तबीयत ही नहीं संभल रही। मैं भी सोच रहा हूँ कृपा हॉस्पिटल से ले जाए। एक काम कर दोगे मेरा? जी जी कहिए। मुझे कुछ पैसे घर में नहीं ऑर्डर करने हैं। अरे कोई मसले वाली बात ही नहीं है हसन भाई, हो जाएगा। अभी आप आए मेरे साथ, मैं आपको हॉस्पिटल लेके चलता हूँ। आइए। ठीक है, लेकिन पहले मुझे घर एक फोन करना है। आइए मैं मदद करता हूँ। नहीं मैं ठीक हूँ, तो मैं जाऊँगा खुद। आ जाओ रास्ता आ जाओ। कैसी हो? अरे बस ठीक हूँ। आ बैठो। बहुत दिनों में आई? अरे हाँ भाई, कहाँ टाइम मिलता है। अरे तुम बताओ, आजकल तुम बहुत मसरूफ हो मुमताज। हाँ अल्लाह का शुक्र है, आलिया की शादी की तैयारियां चल रही हैं, बस इसी में लगी रहती हूँ। कुछ अपने घर की भी खबर रखा करो। हैं क्या हुआ? अरे वो तुम्हारी बहू है ना जुबैदा। हाँ हाँ। अरे मुझे तो तुम्हारी इज्जत का ख्याल है इसलिए जिक्र कर रही हूँ, वरना मेरी आदत कहाँ है इधर उधर लगाने की। असल बात क्या है, साफ कहो। अरे वो मोहल्ले में नया किराएदार नहीं है, जुबैदा का उससे बड़ा याराना है। वो महल्ले वाले तो बातें बना रहे हैं, उसके साथ अक्सर रक्षे में आ जा रही है, और तो और उसका मामूजाद है वो। खामखा की बातें बना रहे हैं सब, ये तो महल्ले वालों का तो दिमाग खराब है, किसी को भी किसी के साथ देखकर कुछ भी कह देते हैं। अरे वो मर्द अकेला रह रहा है, अकेला, और वो तो जुबैदा उसके घर तक जा पहुंची थी, मैंने तो खुद अपनी आंखों से देखा है, खड़े हुए बातें कर रहे थे। कोई काम की बात कर रहे होंगे समझी, और तुम ना मेरे घर से ज्यादा अपनी बहू बेटियों पर नजर रखा करो, मेरे घर की फिक्र छोड़ो। आगे मुझे बताने के लिए उल्टी सीधी बातें, और तुम तो बुरा मान गई। अच्छा मैं चलती हूँ। कहीं ऐसा तो नहीं जो रास्ता कह रही हो वो सच हो? अच्छा तभी कल जुबैदा ने इमन को हमारे साथ रवाना किया और खुद अब समझी हूँ। पहले तो आलिया को रास्ते पे लगाने की कोशिश की और अब खुद गैर मत के साथ। क्या कह रही हैं आप? मेरे कजन है वो, भाई जैसे है मेरे। क्या कह रही हैं आप ऐसन से? घर आ जा तनु रब दा वास्ता।